नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान बोन एवं ज्वाइंट स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट रायपुर छत्तीसगढ़ से दोस्तों मैं अपने चैनल पर हमेशा आप लोगों के लिए बोन जॉइंट नस एवं मांसपेशी से संबंधित वीडियोस लेकर आता हूं और मेरी ये कोशिश होती है कि हड्डी नस एवं मांसपेशे से जुड़े जो भी रोग होते हैं उनके बारे में आपसे जानकारी साझा कर सकूं दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपसे बात करूंगा हड्डी के ऑपरेशन में होने वाले धातु के जो रॉड्स प्लेट एवं तारे होती हैं इनके बारे में आज आपसे जानकारी साझा करूंगा दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि हड्डी के ऑपरेशन में होने वाले जो भी मेटेलिक प्लेट्स होते हैं रॉड होते हैं ये तारे होती हैं क्या इनको बॉडी में रहने देना चाहिए या इनको निकाल देना चाहिए इन सब के बारे में आज आपसे बात करूँगा दोस्तों हड्डी के ऑपरेशन में प्लेट रॉड एवं तारों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये बहुत ही इनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हड्डी के लगभग लगभग 70 से 80 प्रतिशत जो भी सर्जरीज होती है उनमें तारों का एवं धातु के रॉड्स का एवं प्लेट्स का यूज़ होता है इन प्लेट्स एवं रॉड का यूज़ क्यों होता है क्या ये बॉडी में किसी प्रकार कोई रिएक्शन तो नहीं करते इन्हीं के बारे में आपसे सारी बातें करने वाला हूँ दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके हड्डी के किसी हिस्से में रॉड या प्लेट लगाई गई है आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा दोस्तों आपके मन में एक क्वेरी होता है कि इनको ये हमारे शरीर में क्या करते हैं कोई रिएक्शन तो नहीं करते दोस्तों हड्डियों में लगाने वाले जो रॉड्स होते हैं उन प्लेट्स होते हैं इनका काम क्या होता है ये सबसे पहले आप जानिए और ये क्यों यूज़ की जाती है जब भी आपकी हड्डी टूटती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हड्डी अपने जगह से फिसल जाती है खिसक जाती है उन हड्डियों को आसपास लाने के लिए और पुनः उन हड्डियों में उतनी ही ताकत से फिर से मूवमेंट लाने के लिए हम धातु के प्लेट एम रॉड का यूज़ करते हैं एक बार जब आपके हड्डियों में धातु के प्लेट एम रॉड लग जाती है तो ये बाहर से सपोर्ट देते हैं और आपकी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है वो पुरानी के जैसे फिर से हो जाती है इनको लगाने का फ़ायदा यह भी होता है कि आप बहुत ही जल्दी ऑपरेशन के बाद वेट भी कर सकते हैं और अपने बॉडी के मूवमेंट भी कर सकते हैं आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो भी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल आपको आपके डॉक्टर ने बोला है उनको आप बहुत ही इजीली फॉलो कर सकते हैं बिना किसी झिझक के यदि आप इनका यूज़ ना करें तो भी कई बार हड्डी जुड़ जाती है बश हड्डी बहुत पास पास चिपकी होनी चाहिए इन हड्डियों में किसी प्रकार का भी कोई बिखराव नहीं होना चाहिए दोस्तों बॉडी में मुख्य रूप से धातु एवं प्लेट्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं धातु के जो प्लेट्स होते हैं वो मुख्य रूप से आपके अपर लिम यानी आपके जो हाथों में यूज़ किया जाती है जहाँ पे वज़न बहुत ज़्यादा देना नहीं होता मूल रूप से जो रॉड्स का यूज़ किया जाता है वो आपके पैरों में किया जाता है क्योंकि पैरों में आपके शरीर का बहुत सारा वजन वहाँ पड़ता है और आपको जल्दी से जल्दी वजन लेने की जो क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए हम धातु के रॉड्स का यूज़ करते हैं बहुत बार जब हड्डियों में धातु एवं प्लेट्स के रॉड एम रॉड यूज़ नहीं हो पाते तो वहाँ हम हड्डियों को तारों से भी बांध बांध देते दे। हैं ये भी आपकी हड्डी को जोड़ने में बहुत ही सहायक होते हैं दोस्तों हड्डी में जो लगने वाले प्लेट्स होते हैं रॉड्स होते हैं उनका क्या करेक्टर होता है या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है दोस्तों मुख्य रूप से आपके बॉडी में दो प्रकार की धातुओं का हम यूज़ करते हैं सबसे पहला होता है स्टेनलेस स्टील दूसरी होती है टाइटेनियम जब स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है हम टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है तो इसमें क्या फ़र्क होता है दोस्तों जो टाइटेनियम के जो धा धातु के जो प्लेट्स होते हैं और रॉड्स होते हैं इनका जो वजन होता है वो थोड़ा कम होता है और साथ ही साथ इनमें इन्फेक्शन के चांस स्टेनलेस स्टील की तुलना में थोड़े से कम होते हैं तीसरा जो मुख्य रूप से इनका लाभ होता है वो होता है कि अगर आपके बॉडी में टाइटेनियम की प्लेट लगी हुई है या रॉड लगी हुई है तो आप एम की इन्वेस्टिगेशन ईजिली करा सकते हैं ये इनमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता इसके विपरीत जो स्टेनलेस स्टील के रॉड एवं धातु के जो प्लेट्स होते हैं इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है और इनमें आप एम आर आई जैसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते ये एम आर आई की इन्वेस्टिगेशन को बाधित करते हैं अगर मैं इनके कार्यों की बात करूँ तो दोनों में ही लगभग लगभग सेम काम होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धातु आ, के जो टाइटेनियम की धातु होती है उनमें वो हड्डी को जल्दी जोड़ती है दोनों ही हड्डी को जोड़ने के लिए ही लगाए जाते हैं बट दोनों के जो मुख्य रूप से मैंने पहले बताया क्या क्या अंतर होता है और थोड़े से उनकी कीमतों में भी अंतर होता है जो धातु के जो स्टेनलेस स्टील धातु होती है उसका जो कीमत होता है थोड़ा कम पड़ता है और टाइटेनियम का कीमत थोड़ा ज़्यादा पड़ता है बस यही इसका एक फ़र्क होता है दोस्तों इन्हें बॉडी से कब निकाला जाना चाहिए मुख्य रूप से जब ये आपके बॉडी में लगे होते हैं धातु के रॉड एंड प्लेट तो ये किसी प्रकार का कोई भी इरीटेशन या कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि ये आपकी हड्डी को जोड़ने में सहायक होते हैं बट कई के ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे कि यदि आपके जिस हिस्से में भी ये प्लेट या रॉड लगी हुई है यदि वहाँ बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि इसी जगह पे एग्जैक्टली exactly मुझे किसी प्रकार की खुजली हो रही है या फिर अंदर एक अजीब सा एबनॉर्मल सेंसेशन हो रहा है तब जाके आप उसको निकालने का निर्णय ले सकते हैं परंतु आप निर्णय निकालने का निर्णय तभी ले जब आपके आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं आपके जो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट या जो भी सर्जन है जिन्होंने आपके बॉडी में धातु के रॉड एंड प्लेट्स लगाए हुए हैं वो एक बार एक्सरे करके देखते हैं कि कहीं हड्डी पूरी तरह जुड़ी है नहीं यदि एक बार आपके बॉडी में हड्डी पूरी तरह जुड़ गई है तो फिर आप इन्हें निकालने का डिसीजन ले सकते हैं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है वो होती है इन्फेक्शन कई बार ये जहाँ पे भी आपके बॉडी में धातु के रॉड एंड प्लेट लगे हैं वहाँ पे मवाद आ जाती है या वहाँ पे पस पड़ने की सम, पस आने लग जाता है जब भी कभी ऐसी कंडीशन आपके बॉडी में आती है जहाँ पे रॉड की जगह पे पस निकल रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमरजेंसी होती है कि आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ले हड्डी में लगे रॉड एंड प्लेट को निकाल दीजिए क्योंकि ये जब तक आपकी बॉडी में लगे रहेंगे तब तक आपकी बॉडी में इन्फेक्शन रहेगा और हो सकता है इन्फेक्शन बॉडी के अन्यों को में भी जल्दी से जल्दी फैल जाए तो इसीलिए इसको निकालना बेहद आवश्यक होता है दोस्तों कई बार हड्डी में लगने वाले रॉड एम जो प्लेट होते हैं वो हड्डी को जोड़ तो देते हैं बट ओवर द टाइम कई बार पाँच साल दस साल गुजरने के बाद कई बार जो उनमें लगने वाले स्क्रू होते हैं वो ढीले होने लगते हैं और कई बार प्लेट अपनी जगह से खिसक के आपके जो आसपास के चमड़ी है उन पर इिटेशन पैदा करती है और वहाँ वहाँ पर एक उभार पैदा करती है यदि ऐसी स्थिति भी होती है तब भी आप अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से सलाह ले अपने बॉडी के रॉड एम प्लेट को निकाल सकते हैं यही तीन मुख्य इंडिकेशन होते हैं जहाँ पर आप अपने बॉडी में लगने वाले रॉड एम प्लेट को निकालने का डिसीजन ले सकते हैं परंतु आपको इसका डिज़ाइन लेने से पहले अपने कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से जिन्होंने आपका सर्जरी किया है उनसे बात करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों इसके अलावा यदि आपकी बॉडी में ये प्लेट एवं रॉड लगे हुए हैं तो ये किसी प्रकार के भी कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करते बल्कि ये आपके बॉडी के सहायक होते हैं यदि आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें आजीवन भी इन पर छोड़ सकते हैं ये आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन पैदा नहीं करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी यदि आपको अच्छी लगी तो उस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें साथ ही साथ कोई भी औरतोपटिक से रिलेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं मैं इनकी आ, इन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए थैंक यू बाय